Hello everyone, welcome back to Cycle and Beyond. Thank you so much for all the love and the support. I really like to answer your queries on my videos. Also, I really like to share my journey of cycling and running through my channel Cycle and Beyond. Today I am with my old bicycle. You might have seen my Pune to Goa video. In case you have not watched it, it's just there on the screen. You can go out, check that video. We have a preparation video in case you want to check. So today in this video, I'm going to talk about the gears of the bicycle. I remember when I bought my first bicycle in 2016 in Pune, I had no clue how to use the gears, where exactly I have to use the gear. And trust me, I had different issues कभी पैडल उतर जा रहा है, चेन उतर जा रही है, कभी कभी मैं चढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर एकदम स्टिफ हो गए हैं बिकॉज मैं गलत गियर पे साइकिल चला रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिवाइड दिस वीडियो इन थ्री पार्ट्स. फर्स्ट विल आई विल टॉक अबाउट थोड़े बहुत पार्ट्स के बारे में ताकि आपको पता हो कि आप एग्जैक्टली कौन से पार्ट पे अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो आप उस चीज को हैंडल कर पाओ. द सेकेंड थिंग आई विल टॉक अबाउट कि साइकिल में कितने गियर्स होते हैं और कॉम्बिनेशन कैसे होता है. एंड द थर्ड थिंग आई विल नेविगेट कि वो यूज कैसे करना है, कौन से ट्रेन्स पे यूज करना है, कहाँ पे आपको नंबर वन गियर यूज करना है, कहाँ पे टू यूज करना है, कहाँ पे थ्री यूज करना है. एंड आप जब ये थर्ड पार्ट देखोगे तो आपको एक्चुअली में समझ में आ जाएगा कि आप ज्यादा फोर्स लगा रहे होते हो बट आपको उतना दम लगाना नहीं होता है. सो ये मेरे साइकिल का रियर पार्ट है जो यहाँ पे आपका सात चेन रिंग देखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये रियर साइड का डिरेलर्स है. सो ये हमारा आगे का चेन रिंग है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड. तो आगे तीन है, तीन अपने चेन रिंग हैं, पीछे सात चेन रिंग है. तो ये साइकिल 3x7 मींस 21 कॉम्बिनेशन की साइकिल है, 21 गियर. नाउ इस गियर्स को शिफ्ट कैसे करते हैं? तो ये आगे का चेन शिफ्ट करने के लिए जहाँ पे 1, 2, 3 चेन रिंग्स हैं, सिमिलरली हमारे पास राइट में सात शिफ्टर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, तो यहाँ पे आपके राइट साइड में 7 है जो पीछे के गियर शिफ्ट करने में काम आएगा, और सिमिलरली आपके यहाँ पे जो गियर्स हैं वो आगे के चेन रिंग्स में वो चेन एडजस्ट करेगा. तो 3x7 21 गियर की ये साइकिल हो गई. तो अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैंने ये चार्ट बनाया जो इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन से गियर्स का कैसे कॉम्बिनेशन यूज करना है. ठीक है, तो अभी आपको दिखाया था मैंने कि तीन गियर आगे थे हमारे और सात गियर पीछे थे. ठीक है, अब मैंने देखिए सब जो एरोज लगाए हैं आप वो कॉम्बिनेशंस उन गियर के साथ में यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी गलत कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो आपकी चेन उतर जाएगी या फिर चेन टूटने के चांसेस रहेंगे. ठीक है, तो मैं अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों गियर का क्या क्या कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना है वो मैं इस चार्ट के थ्रू डेमोंस्ट्रेट करूँगा. सो अभी आप देख रहे हैं फर्स्ट गियर. फर्स्ट गियर मतलब आपका सबसे लोएस्ट गियर है. ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है ये मतलब आपको कहाँ पे यूज़ करने हैं वो गियर्स, वो बता रहा है कि आपको इन जगहों पे आपको ये सारे कॉम्बिनेशन यूज़ करने हैं. सो फर्स्ट गियर अगर है आपका तो आप उसमें पीछे का 1, 2 और 3 तीन कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे. ठीक है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ आपका सारे अपहिल राइड्स में आएगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई हिल चढ़ रहे हो या फिर आप कोई ओवर ब्रिज चढ़ रहे हो तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रखना है पीछे में, कोई भी यूज़ कर लो. बेस्ड ऑन, अगर आप थ्री यूज़ करोगे तो थोड़ा इंटेंसिटी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी, टू यूज़ करोगे तो और चेन लाइट हो जाएगी, वन यूज़ करोगे तो और लाइट हो जाएगी. तो मतलब आपके लेग्स पे उतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और आपकी साइकिल ईजिली चढ़ जाएगी. नाउ विल टॉक अबाउट नंबर टू. नंबर टू में आप कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो? 3, 4, 5. अब सेकेंड गियर यूज़ कब करना है?
अब जैसे मान के चलो तुम फर्स्ट 1 2 3 पे अगर हो, मतलब फर्स्ट गियर पे हो, तो आप चढ़ाई पे करते हो तो आपकी साइकिल स्लो चलती है। वेरियस इन आप अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो या फिर थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं जहाँ पे आपको कभी कभी स्पीड भी पकड़नी है बिकॉज आप ट्रैफिक में हो, तो आपको 3 4 5 आपको यूज करने हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, साइकिल तो लाइट तो रहेगी रहेगी, बट आप अगर आप उतर जाते हो और वापस से आप यू नो आपको स्पीड पकड़नी है तो आप उन गियर्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट थर्ड गियर। थर्ड गियर का कॉम्बिनेशन है 5th, 6th एंड 7th। इस गियर में आपकी साइकिल तेज चलेगी, थोड़ी भारी चलेगी, बट आपको दम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऑल्सो ये गियर जब आपको यूज करना है देन इन दैट केस वो आपको फ्लैट राइड ही पे ही यूज करना है, क्योंकि फ्लैट राइड पे आपको ज़्यादा यू नो अप्स एंड डाउन्स नहीं मिलेंगे। तो आप जितना ज़्यादा यू नो स्पीड चाहते हैं वो आपको थर्ड गियर पे मिल जाएगा। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं अपनी साइकिल पे तीनों गियर का कॉम्बिनेशन एक एक करके चलाता हूँ, ठीक है। देन आई थिंक थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे यूज करना है। सो लेट्स जंप ऑन टू दैट डेमोन्स्ट्रेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गियर नंबर 1 आगे के साइड में और पीछे के साइड में गियर नंबर 1। तो अभी मेरा कॉम्बिनेशन है 1:1। सो अभी देखोगे तो मेरी साइकिल लाइट चलती है। अब मुझे लेट सपोज थोड़ा मतलब चढ़ाई मेरी कम हो गई है, मुझे अब चाहिए कि अब मैं थोड़ा सा स्पीड पे पकड़ लूँ, तो मैं यहाँ पे जो गियर है इसको गियर को सेकेंड पे लेके जा रहा हूँ। 1 का आगे है, पीछे का सेकेंड। ये देखो अभी कहाँ पे चली गई चेन मेरी, सेकेंड चेन रिंग पे, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू कि मैं इसको थर्ड पे लेके जाता हूँ एंड एक एडवाइस रहेगी, कभी भी गियर चेंज करो तो तुम्हारी साइकिल खड़ी नहीं रहनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप साइकिल एकदम स्टेबल है और आप गियर चेंज कर रहे हैं, तो कभी भी साइकिल गियर चेंज करने तो साइकिल स्लो ही चले लेकिन चलनी चाहिए, पैडल मूव होने चाहिए। आप देखो हम लोग किस पे आ गए, फर्स्ट कॉम्बिनेशन का 1, 2 और 3 एक्सप्लोर कर लिया। अब हम जाते हैं गियर नंबर 2 पे, आगे का गियर नंबर 2, ठीक है। अभी हमारा कॉम्बिनेशन है 2 यहां पे चला गया, ठीक है, और उधर कॉम्बिनेशन है 3। सो अभी हमने सेकेंड गियर किया और पीछे का गियर 3 रखा हुआ है। अब हम लोग सेकेंड में 4 और 5 एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आता हूं 4 पे, हम लोग किस पे आ गए, 4 पे आ गए। आप देख रहे हो 1 2 3 4 चेन पे पहुंच गए, ठीक है। अब मेरी साइकिल थोड़ी सी हैवी चल रही है, ठीक है, मुझे ट्रैफिक में अगर स्पीड पकड़नी तो मैं स्पीड भी मिल जाएगी। अब मैं 5th पे जाता हूँ, ये मेरी 5th चेन पहुंच गई, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, गियर नंबर 3rd चेंज करते हैं और देखते हैं साइकिल की स्पीड में क्या फर्क पड़ता है। तो अभी आगे का गियर हमने 3rd रखा हुआ है, पीछे का 5th पे ही है, तो अभी साइकिल देखो थोड़ा से भी पुश करने पे साइकिल तेज चल रही है। अब अगर मैं प्लेन रोड पे चल रहा हूँ तो मैं ये कॉम्बिनेशन यूज करूंगा और इसमें को अच्छी खासी स्पीड मिलेगी, बट अगर मुझे और थोड़ा सा स्पीड चाहिए तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ 6th पे, ठीक है। अब मेरी साइकिल देखो हल्की सी पेडल मारने पे साइकिल तेज चल रही है, ठीक है। अब अगर मैं लास्ट गियर यूज करता हूँ, 3rd आगे है, पीछे 7, तो मुझे हल्का दम लगाना पड़ रहा है, साइकिल की स्पीड देखो बहुत तेज हो जा रही है। मैं बिल्कुल भी एक हल्के से पेडल मार रहा हूँ तो मेरा सर जो साइकिल का स्पीड है वो बहुत तेज हो जा रहा है। सो होप यू हैव क्लैरिटी अबाउट कि कौन सा गियर कब यूज करना है और कैसे बेसिकली यूज करना है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में हैंड्स ऑन जब तक नहीं आता तब तक थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं गियर यूज करने, मुझे भी इश्यूज हुए थे। रिमेंबर वन थिंग इन माइंड कि कभी भी अपहिल राइड जाना है अगर तो गियर्स अपने पहले ही चेंज कर लें। सो इन केस यू लाइक दिस कंटेंट और सिमिलर कंटेंट इस चैनल पे चाहते हो और कुछ नया साइकिलिंग के बारे में जानना चाहते हो जो हो सकता हो मुझे भी ना पता हो तुम्हें पता हो, तो कमेंट करो एंड लेट मी नो
और क्या क्या चीज़ें मैं कवर कर सकता हूँ मैं इस चैनल पर लेके आऊँगा. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो इस चैनल को, बिकॉज तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं करेगा. सो कीप सपोर्टिंग साइकिल एंड बियॉन्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.